पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जीएसटी विभाग रामपुर ने सिविल लाइन्स रामपुर क्षेत्र सूरत टाकिस के पास निकट स्टार चौराहा पर जीएसटी पंजीयन कैंप लगाकर व्यापारियों को मुख्यमंत्री द्वारा पंजीयन योजना के तहत दिए गए पंजीकृत व्यापारियों को लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। जीएसटी सहायक आयुक्त पवन गंगवार द्वारा जीएसटी पंजीयन से संबंधित लाभ के संबंध में जानकारी सभी को बताई गई। कैंप के समय जीएसटी से सुजीत कुमार सहायक आयुक्त, आशा शर्मा राज्य कर अधिकारी और रवि प्रकाश राय, आशीष कमथानिया आदि और कई व्यापारी मौजूद रहे। जी सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना सभी व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अंदर सबसे पहले तो जो 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा, किसी भी दुर्घटना में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने पर उसको 10 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से बीमा मिलता है। अभी इसी वर्ष मैंने 3 लोगों को एक्सीडेंटल बीमा दिया है, 3 लोगों के घर के परिवार वालों को, जिन्हें कोई आस नहीं थी, उन्हें 10 लाख रुपये का चेक मैंने खुद अपने हाथों से इसी वर्ष मैंने दिए हैं रामपुर ज़िले में। दूसरा ये है कि कहीं से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी बेच सकते हैं। बड़ा कार्य करना है अगर, कहीं से भी ईवे बिल डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी माल बेचना हो वो कर सकते हैं। 50,000 से ऊपर तक अगर माल खरीदना है कहीं से, मान ली दिल्ली से माल खरीदना है हमको और 50,000 से ज़्यादा का माल खरीदना है, तो उसके लिए ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। पूरे देश में कहीं से भी माल खरीदने पर जो भी उन्होंने टैक्स पे किया है उस पर AGITC यूज़ कर सकते हैं, और जो ITC जो टैक्स देकर के आए हैं उसको वो अपने टैक्स में उसको घटा करके उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ITC वो ले सकते हैं। एक बात ये है, और भी कई बहुत सारे फायदे हैं। जैसे सबसे छोटी सी बात ये है कि 1.5 करोड़ तक का उनको समाधान योजना में, जिसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स देना है अपनी बिक्री पे। उन्हें कोई कागज़ पत्र नहीं रखने हैं, कुछ नहीं रखना है, 3 महीने में एक बार टैक्स जमा करना है उनको, और साल में एक पूरा रिटर्न जमा करना है, बस इतना ही है। सबसे छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो कि नंबर 1 से काम करना चाहते हैं, सरकार को टैक्स देना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी योजना है। इसमें कोई उनको खरीद बिक्री के पर्चे बिक्री वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 करोड़ तक है उनकी अगर बिक्री है और सिर्फ पंजीकृत को बेचते हैं वो, तो वो सीधे सीधे इसमें 1% टैक्स दे करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली का बिल, 3 डॉक्यूमेंट लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, 3 से 7 दिन के अंदर GST नंबर उनके ईमेल एड्रेस पर आ जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि इससे वो एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, व्यापारी मेन स्ट्रीम में आ जाता है, सभी व्यापार बंधुओं के बीच में, व्यापार मंडल के बीच में वो आकर के बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। और जो बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं मुख्यमंत्री के द्वारा या शासन के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसका सबका फायदा वो GST नंबर उन्हें से ले सकता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।